हेलो दोस्तों, रिपोर्ट 24x7 इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे हम अदिति यादव। आखिर अदिति यादव क्यों चर्चा में हैं और ये कौन हैं, कहाँ से आई हैं, किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वीडियो में आपको इस बताने वाला हूँ। क्योंकि आज कल युग चुनाव का माहौल है और चुनाव में अदिति यादव का नाम बहुत ही चर्चा में है, चुनाव प्रचार में। और आपको बता दूं कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं और कहाँ से आती हैं, तो आपको बता दूं कि ये अदिति यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी हैं। अदिति यादव लोकसभा चुनाव प्रचार में पहली बार अपनी माँ डिंपल यादव के साथ नजर आ रही हैं। अदिति का भी उनकी माँ की तरह सादापन और गंभीर अंदाज लोगों के दिल छू रहा है। वैसे अदिति फैन फॉलोइंग बात करें तो जबरदस्त है। लोकसभा चुनाव 2024 में डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। वे चुनाव प्रचार के लिए सोमवार को कुसमास पहुंची तो साथ में उनकी बेटी अदिति यादव भी नजर आई। कुर के आयोजित सम्मेलन में अदिति यादव ने कहीं भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिया, बल्कि वे कार्यकर्ताओं के बीच नजर आईं। वो इस दौरान जब माँ डिंपल यादव ने बोलना शुरू किया तो वो हर शब्द को गौर से सुनती और समझती रहीं। अदिति यादव की बात करें तो सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 3.66 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वहीं एक्स पे ये संख्या 3.06 लाख है। सफाई परिवार से मुलायम सिंह यादव ने सियासत में कदम रखा था। इसके बाद भाई शिवपाल सिंह यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी राजनीति में आए। फिर नंबर आया दूसरी पीढ़ी, यानी बेटे अखिलेश यादव, भतीजे धर्मेंद्र यादव का। उसके बाद बहू डिंपल यादव भी नजर आई उतर आई। तीसरी पीढ़ी के रूप में मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप यादव ने मैनपुरी से 2014 के लोकसभा उप चुनाव में जीत हासिल कर सांसद की सीढ़ी चढ़ी। इसके बाद लगभग एक दशक से सफाई परिवार के किसी नए सदस्य ने सियासत में कदम नहीं रखा, लेकिन अब सफाई परिवार का एक नया सदस्य सियासत में ककार सीख रहा है। बात करें सपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व सांसद डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव की, 22 वर्ष की अदिति कुसमरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में नजर आई। वे अपने डिंपल यादव के साथ ही पहुंची थी। यहाँ माँ डिंपल यादव ने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो बड़े गौर से एक एक शब्द बारीकी से सुन रही थी। वहीं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वार्ता के दौरान भी अदिति बारीकी से सब कुछ सीखती नजर आई। ऐसे में कहीं ना कहीं इसे अदिति की राजनीति में रखने से पहले तैयारी माना जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन पहुंची अदिति यादव चाहती तो मंच पर डिंपल यादव के साथ बैठ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नीचे कार्यकर्ताओं के बीच बनाई। कुछ महिला कार्यकर्ता के बीच वे सादगी से बैठी नजर आई। यूं कहें कि कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर वे उनसे जुड़ने की कोशिश नजर आई। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों के बीच अदिति यादव के राजनीति में आने के चर्चाओं का जोर पकड़ लिया है। बड़े स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और 7 तारीख को आप सभी लोग जाइएगा और समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा अपने संविधान को बचाने के लिए। जय हिंद, जय समाजवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए वेट एंड वॉच।